मुकुल गोयल को क्यों हटाया जानते हैं आप? एक नहीं कई वजहों से हुई डीजीपी साहब की छुट्टी। सुबह सीएम के साथ मीटिंग में थे साहब, शाम को फरमान आ गया। बस बहुत हुआ डीजीपी साहब, आप सरकार की बात सुनते नहीं, काम करते नहीं, बस बहुत हुआ। यूपी में क्यों मचा हुआ है हड़कंप? एक एक सवाल का जवाब। मुकुल गोयल का वो रिपोर्ट कार्ड जो शायद आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। सवाल ये भी कि ऐसा क्या हुआ कि 10 महीने में ही मुकुल गोयल शोगी की नजरों से गिर गए, डीजीपी के पद से उन्हें यूं हटा दिया गया। ऐसी कौन कौन सी वजहें हैं जिस वजह से योगी सरकार को गुस्सा आया? आखिर क्यों नपे गए डीजीपी मुकुल गोयल? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, बस ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो वैसे योगी को मिली एक खबर से शुरू हुई थी। खबर ये कि सीएम योगी को पता चल गया था कि रामनवमी के दिन यूपी का माहौल खराब करने की पूरी साजिश हो चुकी थी और इंटेलिजेंस विभाग के एक टॉप के अधिकारी ने वक्त रहते इनपुट दिया और हिंसा करने के इरादे से जुटे अपराधी अपनी साजिश में फेल हो गए। खबरें तो ये तक हैं कि अधिकारी ने वक्त रहते इनपुट नहीं दिया होता तो हिंसा भड़क सकती थी, लेकिन रामनवमी से ईद तक शोगी का ये छुपा रुस्तम अपने मिशन में जुटा रहा। एसी कमरे में बैठे डीजीपी साहब अपनी पीठ थपथपाते रहे, शोगी की तारीफ करते रहे, लेकिन लगता है कि फैसला हो चुका था, पत्ता कट चुका था, बस ऐलान होना बाकी था। क्योंकि 12 मई की तो वो तारीख याद होगी आपको, जब सीएम के साथ डीजीपी साहब की मीटिंग चल रही थी। किसी को इल्म भी नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद शाम होते होते डीजीपी साहब की छुट्टी होने वाली है, उन्हें रिलीविंग ऑर्डर थमा दिया जाएगा और उन्हें कह दिया जाएगा कि हमें ऐसी पुलिसिंग की जरूरत नहीं जो एसी के कमरों में बैठकर पुलिसिंग करे, हमें तो फील्ड के टॉप के अधिकारी चाहिए जो तोड़ सके, भाग सके, जो अपराधियों को सजा दिला सके। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि महज 10 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मुकुल गोयल 10 महीने में ही सीएम योगी की आंखों से उतर गए? अब ध्यान से देखिएगा एक एक किस्सा, एक एक वाक्या, कब कब क्या क्या हुआ सीएम योगी की नजरों से मुकुल गोयल उतरे तो उतरे कैसे। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई, मुकुल गोयल ने दौरा तक नहीं किया। 25 नवंबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसान को जीप से कुचलने का वाकया सामने आया, मुकुल गोयल ने बस रिपोर्ट पढ़ी और शांत हो गए। 10 नवंबर 2021 को कासगंज थाने में अल्ताफ की मौत का मामला सामने आया, बवाल हुआ, यूपी पुलिस के मुखिया तक सवालों के कटघरे में खड़े हो गए। मई 2022 में ललितपुर के दारोगा ने पीड़िता के साथ गलत किया, सवालों में आज मुकुल गोयल तक पहुंची। अप्रैल 2022 में दारोगा रश्मि यादव ने तंग आकर आत्महत्या कर ली, मामले का खुलासा अब तक नहीं हुआ। PHU के शिव कुमार रायबरेली में दलित की पिटाई, प्रयागराज में 5 की हत्या समेत कई मामले सुर्खियों में आए। वैसे तो 1987 बैच के मुकुल गोयल 2024 में रिटायर होने वाले हैं, मगर उससे पहले ये बहुत बड़ी फजीहत हो गई। चर्चाएं तो ये तक उठ रही हैं कि मुकुल गोयल योगी की पसंद पहले ही नहीं थे, क्योंकि इसके पीछे कई बड़ी वजहें छिपी हैं, अब वो भी जानिए। साल 2006 में सपा सरकार में पुलिस भर्ती में धांधली हुई थी, तब उस वक्त मुकुल गोयल DIG आगरा हुआ करते थे। साल 2007 में मायावती की सरकार बनी तो मुकुल गोयल सस्पेंड कर दिए गए, सपा की सरकार में केस खत्म हुआ। साल 2000 में भी BJP सरकार के दौरान मुकुल गोयल सस्पेंड हुए थे, मतलब छवि साफ सुथरी नहीं है। चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि मुकुल गोयल उन अधिकारियों की फहरिस्त में शामिल थे जो यूपी चुनाव के वक्त सपा की सरकार आने का सपना देख रहे थे। मुकुल गोयल को ये लगता था कि अब तो बस अखिलेश की सरकार आ रही है, तब से ही वो रडार पर थे। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि वो कब क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता, बस अब ये बात सीएम योगी पर भी लागू होती है, कब क्या कैसा एक्शन लेंगे ये कोई नहीं जानता, यही बात DGP साहब के साथ हुई। वैसे तो सीएम योगी के पास ये जानकारी पहले से ही थी कि मुकुल गोयल सिर्फ एसी कमरे में बैठकर रिपोर्ट पढ़ते हैं, ग्राउंड पर जाने की जहमत तक नहीं उठाते। किसी भी DGP को हटाने के लिए किसी भी सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि लापरवाह और विभागीय कामों में रुचि ना लेने तक की बात कही हो। खबरें तो ये तक आई हैं कि मुकुल गोयल जरूरी बैठकों तक में हिस्सा नहीं ले रहे थे।
जैसे गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को हटाया गया था, वैसे ही डीजीपी साहब की भी विदाई हो चुकी है। साफ है कि योगी के राज में लापरवाह डीजीपी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि योगी के राज में सिपाही हो या फिर डीजीपी, जनता का काम तो करना होगा साहब। खबरें तो ये तक हैं कि सीएम के पास ऐसी कई अधिकारियों के नामों की लिस्ट पहुंच चुकी है जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। यानी साफ है कि योगी के राज में जो काम करेगा उसी के सितारे बुलंद होंगे, वरना छुट्टी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।